Good morning, students. In the previous lecture, we read about intrusion detection techniques. After that, I will talk about host ID and this. These are the things we have learned in previous lecture. Now, I will tell about what is host-based intrusion. Host-based intrusion detection system. It uses operating system auditing mechanism, that is BSM or Solaris. It creates a log file all direct and indirect events generated by the users. मतलब कि ये है कि ये है ना अपने operating systems के अंदर log file बनाता रहता है जो भी आप यूज़र हो आप जिस यूज़र से लॉगिन किया हुआ उस बेसिस पे वो देखता है और उसको लॉगिन करता है और उसकी पूरी एनालिसिस रिपोर्ट बना के रखता है तो ये होस्ट बेस्ड आईडीएस सिस्टम का एक मेथड है दूसरी बात है कि ये स्ट्रेस फॉर सिस्टम्स कॉल मेड बाय अ प्रोग्राम ये एक स्ट्रेस बनाता है जस्ट लाइक अ मेथड एक क्या बोल सकते हैं इसको अपन स्ट्रेस को बोल सकते हैं कि ना एक क्यू बनाता है उसकी वजह से जो आपके सिस्टम ने कोई भी कॉल किया हो जैसे ना कॉल जस्ट लाइक किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो उस पर जो भी रिक्वेस्ट करी हो किसी भी प्रोग्राम ने जैसे आपके सिस्टम अगर बेस करें तो HTTP यूज़र ब्राउज़र ओपनिंग प्रोग्राम है या फाइल ओपन करते हो फोल्डर ओपन करते हो कौन से वेबसाइट को क्लिक करते हो ये भी एक चीज़ दिखता है उसके बाद बढ़ता है कि अगर मॉनिटरिंग यूज़र्स एक्टिविटी वो एक पूरी तरह से आप जिस यूज़र से लॉगिन हो उसकी आपके बिहेवियर को मॉनिटर करता है आप कब क्या करते हो कैसे करते हो और उसकी एक शेल एनालिस्ट शेल कमांड्स मतलब आप लोगों के वो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कौन सी फाइल के लिए यूज़ करते हो वो भी वो एनालिसिस करके रखता है उसके बाद थर्ड मेथड है इसी का मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम आपके अंदर आपने कौन सा यूज़र लॉगिन किया है कौन से मेल से लॉगिन किया है उससे क्या फाइल भेजी है उससे क्या फाइल डाउनलोड की है तो ये होस्ट के अंदर मतलब क्लाइंट एंड के अंदर ये सारी चीज़ें इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स के अंदर ये देखता है अब दूसरा बात है नेटवर्क आईडीज़ इन नेटवर्क आईडीज़ के अंदर मतलब क्या होता है कि ये नेटवर्क के अंदर देखता है क्या देखता है कि ये कौन से सेंसर से कौन सी लोकेशन पर ये बेस्ड है ये पैकेट स्निफर का यूज़ करता है वह TCP डंप एट राउटर TCP को वहाँ पर डंप कर देता है और राउटर के लिए चीज़ें काम करता है उसके बाद इंस्पेक्शन नेटवर्क ट्रैफिक्स नेटवर्क के अंदर कब कौन सा कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ उसका क्या पैटर्न था कनेक्ट करने का उसने कब कब रिक्वेस्ट करी वो कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया है उसने कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से वो कनेक्शन करा तो वो वहाँ पर ट्रैफिक के लिए इंस्पेक्शन करता है थर्ड है मॉनिटरिंग यूज़र एक्टिविटीज़ यूज़र की एक्टिविटी नेटवर्क देखता है कि कब किस तरह से कौन से डेटा पोर्शंस को यूज़ करते हुए कौन कौन से उसने पैकेट्स भेजे हैं और मैलिशियस कमांड कौन कौन सी रन करी है उसने जिसकी हेल्प से वो चेक कर सके कि है ना वो किस तरह की मेथड्स को वो यूज़ कर रहा है एंड फोर्थ इज़ मे बी easily defeated by encryptions वो क्या करते हैं जनरली रैनसम वेयर करता क्या है वो रैनसम वेयर एक वायरसेस है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसमें क्या करते थे आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता तो वो क्या करते हैं डेटा पोर्शंस की हेल्प से कहाँ और हेडर की हेल्प से इंफॉर्मेशन को भी वो इनक्रिप्ट कर देता है ताकि क्या होता है कि आपका पैकेट जिस जगह जाना चाहिए वो जा नहीं पाता उस यूज़र को पता नहीं लग पाता वो किस जगह जाना है तो उसको वो इनक्रिप्ट कर लेता ये सारी है एंड अदर प्रॉब्लम जस्ट लाइक अच्छा ये नेटवर्क आईडी है आईडी का या आर्किटेक्चर बना हुआ है सबसे पहले क्या होता है कि आपके सिस्टम्स में पॉलिसी स्क्रिप्टिंग होती है उस पॉलिसी स्क्रिप्टिंग को पॉलिसी स्क्रिप्टर इंटरप्रिटेट करता है फिर उस इवेंट को कंट्रोल करता है फिर उस इवेंट इंजन उस इवेंट के कंट्रोल करने के बाद में वो जो TCP जिस फिल्टर से आता है उसे डंप कर देता है ये लाइब्रेरी की पैकेजिंग होती है इस लाइब्रेरी पैकेजिंग की हेल्प में वो काम करता है बट उससे पहले ये देखा जाता है कि हमारा एक नेटवर्क है जो एक स्ट्रीम पैकेट को जनरली हम भेजते हैं
वो लाइब्रेरी पैकेज के पास भेजता है, उस वो लाइब्रेरी पैकेज पैकेट स्ट्रीम मेथड्स की हेल्प से वो इंजन इवेंट इंजन के पास भेजता है, वो इवेंट इंजन अपना काम करता है और वो स्ट्रीम की हेल्प से पॉलिसी स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर को देता है। उसकी हेल्प से सामने वाले के पास अलर्ट और एक नोटिफिकेशन जो पॉपअप होता है, जो जनरली आपके सिस्टम के अंदर होता है, और जैसे ही वो पॉपअप होता है तो उससे पॉलिसी स्क्रिप्ट डाउनलोड होती है, और वो पॉलिसी स्क्रिप्ट जब डाउनलोड होती है तो वो इवेंट कंट्रोलर की हेल्प से इवेंट इंजन तक पहुंच पाती है। उसके बाद में तब जाके टीसीपी डंप फिल्टर वर्क करता है। जनरली ये डायग्राम हमने प्रीवियस वे में देखा था, यहाँ पे टीसीपी डंप। ओके, अब हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर। अब उसके बाद देखेंगे फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल वर्सेस नेटवर्क आईडीज। फायरवॉल क्या होता है, वो एक्टिव फिल्टर्स होता है, वो फेल और क्लोज के बीच में वर्क करता है, वो एक तरह का वॉल होता है, वो हार्डवेयर भी होता है, वो सॉफ्टवेयर भी होता है, वो एक तरह का वॉल होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर घुसने के लिए वो फायरवॉल एक्टिव रहता है, विदाउट फायरवॉल वो जा नहीं सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल ओपन है तो उस वॉल को कंप्लीट करने के लिए जैसे जाना पड़ता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। जैसे अगर हम ज्यूम करें कि अगर बैंक है, बैंक के अंदर कोई कहीं भी नहीं घुस सकता, बैंक के अंदर का दरवाज़ा जो होता है, दरवाजे में जो ग्रिल लगी रहती है और गार्ड खड़ा रहता है, वो फायरवॉल की तरह वर्क करता है। एक तरह से वो एनालिसिस करते रहते हैं कौन अंदर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसी तरह से नेटवर्क आईडीज़ क्या होती है, पैसिव मॉनिटरिंग वर्क करती है, वो जनरली फेल ओपन कंडीशंस पे वर्क करती है। हम यहाँ पे बात करते हैं एक्टिव फिल्टरिंग। एक्टिव फिल्टरिंग क्या कर रहा है, फायरवॉल जैसे ही यूज़र के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो एज इट इज़ फायर फॉरवर्ड कर देता है। वहीं आईडीएस जो होती है वो क्या करती है, लीक से हटके डायरेक्ट ना जाते हुए विद द हेल्प ऑफ सम कंप्यूटर उस मेथड को हम वहां से पास करते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क आईडीज क्या होती है, उसके पास बहुत स्पीड हाई होनी चाहिए और लार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। पैकेट फिल्टरिंग वो करता नहीं है और उसमें कोई पैकेट ड्रॉप होता नहीं है, रियल टाइम नोटिफिकेशंस देता है, ये एक अच्छा एडवांटेज है। नेटवर्क आईडीज के लिए मैकेनिज्म सेपरेट बाय द पॉलिसीज करता है, एक्सटेंसिबल होता है, वो कहीं भी बढ़ सकता है, बोर्ड डिटेक्शन कवरेज करता है, वो इकोनॉमी को रिसोर्स करके काम करता है, रियलाइजेशन और रियलाइजेशन होता है स्ट्रेस में, और आईडी अटैक्स अपॉन इट्स आईडी इटसेल्फ, वो सेल्फ को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। ठीक है, अब अगर स्नॉट आईडीज ये है, ये हमारे प्रैक्टिकल में